ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये जैन समाज का कार्यक्रम में स्टार्ट होगा अभी 4 बजे, तो दिखाएंगे जरूर आपको। तो क्या कार्यक्रम होगा क्या नहीं होगा जानकारी तो नहीं है, लेकिन देखने पे पता चलेगा, आपको सब कुछ दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑल पर प्रेस कर लीजिए। पहाड़ी की गोद में कितना शानदार संगमरमर का मंदिर, इधर से आना, इधर से चढ़ेंगे, इधर से। गुरु जी नमस्ते, इधर आओ ना। अपने नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम रमेश कुमार जैन। रमेश कुमार जैन जी, तो आप कौन सी जगह अभी इस वक्त जो खड़े हैं, कौन सी जगह है ये? मंदिर का कुआ है, ये मंदिर का कुआ है। कौन जैन अच्छे बराटनगर का मंदिर का कुआ है। कौन सा मंदिर है ये? अच्छा, तो आप भी जैन समाज से हैं जी, और विराटनगर में ही रहते हैं आप जी? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो मेरे को आप ये बताओ जी, ये पीछे ये देखिए, मैं पिछले साल भी आया था तो इसका मैं अभी तक सोल्यूशन नहीं कर पाया। ये देखिए ये क्या है? ये कबूतर खाना। ये कबूतर रात में कबूतरों की सुरक्षा के लिए है। अच्छा, रात में दिन में इसमें कबूतरों के लिए बनाया गया है। ये कबूतर खाना है, कबूतरों के लिए बनाया गया है। देखिए दोस्तों, ये कबूतरों के लिए बनाया गया है। और ये इधर भी ये क्या है, थोड़ा साइड बना इधर, ये क्या है? ये क्या है, जो भगवान का जन्म होता है ना। हाँ हाँ, जो इस समय प्रोग्राम चल रहा है। हाँ हाँ, पंचकल्याण बोलते हैं, जब तीर्थंकर का भगवान का जन्म होता है। हाँ, तो उनको जो स्वधर्म की पत्नी है सची, वो उनको यहाँ लेके आती है पांडव शिला पर, फिर थी सागा के जल से उनका समुद्र किया जाता है। अच्छा, अभिषेक किया जाता है, अभिषेक किया, जन्म अभिषेक के लिए इसको जन्म अभिषेक वाली पांडव शिला बोलते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, मैं कन्फ्यूज था एक साल से उसके बारे में भी, और सब मैंने बता दिया था ये दो के बारे में, थोड़ा ऐसे कन्फ्यूज था, लिखा हुआ भी नहीं है। हाँ, ये पांडव कला का नाम। वैसे ये मंदिर तो बहुत पुराना लगता है। हाँ, बहुत पुराना है, कौरव पांडव के जमाने का है क्या? हाँ। ये जो कुआ है ना, ये कुआ जो आपके पीछे है, ये दोस्तों मैं ऊपर चढ़ के बताऊंगा, ये जो कुआ है इसके नीचे से कोई सुरंग बताते हैं, है क्या इसके नीचे से कोई सुरंग कहीं आने? कुआ के नीचे जो जहाँ जल होता है। हाँ। गंदा बोलते हैं इससे, वहाँ से तो कोई सुरंग होती नहीं। अच्छा, तो जो उस समय की बावड़ी है, बावड़ी के ऊपर वाले हिस्से में जल से ऊपर जो हिस्से होते थे ना, हाँ, उसमें बरामदा होता था। हाँ, हाँ। उसमें से रास्ते निकलती थी, इसमें तो कोई रास्ता नहीं है। देखो पिछली बार जब मैं आया था तो आप जैसे ही थे, एक वो बता रहे थे मेरे को, ऐसा उन्होंने बताया था कि इस कुएं के अंदर से कोई सुरंग है जो कि विराटनगर के अंदर या आसपास कहीं निकल तो रही है, ऐसा कुछ मैंने। जहाँ जल शुरू होता है वहाँ से सुरंग शुरू नहीं होती है कहीं भी, जो जितने भी बावड़ी हैं अपने रास्ते में, और उन बावड़ी के अंदर जाके देखेंगे ना तो बीच में बरामदा होता है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उन बरामदों से सुरंग निकलती है। हाँ, जहाँ जल होता है कुएं के तल में, उस जल से रास्ता नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वो तो उससे तो होगा कैसे, वो तो जल भर जाएगा उसके अंदर। हाँ, लेकिन उसके ऊपर से पूछ रहा हूँ। हाँ, ऊपर और सुरंग नहीं होती, रास्ते दिखते हैं वो। हाँ, तो अंदरों में से रास्ता निकलते हैं वो। अंदर गया भी था तो मेरे को कुछ ऐसे दरवाजे से दिखे भी थे। हाँ, वहाँ से रास्ता, लेकिन अंदर फिर डर लगा मेरे को, अंदर इतना जाने का। वहाँ से रास्ता होगी, देखो उसमें भी एक चारों तरफ से बाउंड्री है। हाँ, और अंदर से भी रास्ता है, हो सकता है इसमें रास्ता हो। अच्छा, इसको ये क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका? तो कोई बोलते हैं इसको, ये ओ ये ओ ये ओ ये बारे ढाणा, बारे ढाणे का कुआ है ये, बारे ढाणा। इसमें जो ढाणे बने हुए हैं ना, हाँ, ये बारे बने हुए हैं, इसकी जो जल की सप्लाई है ना। हाँ हाँ, तो इन दीवालों के अंदर पाइप लगे हुए थे, पुरानी दीवाल है उसमें मिट्टी के पाइप लगे हुए, तो पानी से पाइप से पानी की सप्लाई होती थी सारे कमरों में। वो चार दीवार बनी हुई है ना, इसके अंदर मिट्टी के पाइप लगे हुए, छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ जोड़ के बनाए हुए हैं, उससे पानी जाता है, इसी कुएं का पानी जाता है। अब पहले कैसे निकालते थे, सिस्टम क्या था, क्या था, क्या नहीं था, सही पहले इलेक्ट्रिक के समय तो था नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपको और भी बहुत बड़ा मंदिर है, और आगे दिखाते हैं, बताते हैं क्या है क्या नहीं है। ये देखिए जो बता रहे हैं इसके अंदर, ये देखिए, ये छोटी छोटी छतरियां बनी हुई है इसको एक चारों तरफ। बंद किया, देखो खुला हुआ था, बंद किया गया है। सांप है, सांप रहते हैं इसमें। ये देखे दोस्तों, ये इसको बंद कर रखा है। हाँ, और ये तो सभी जगह के सांप जानवर रहने लगते हैं, खंडर जब हो जाता है, रहने लगते हैं, लेकिन ये बहुत 5,000 से भी
अंदर 12 ढाणे का कुआं इसको बोलते हैं, ऊपर 12 ढाणे बने हुए हैं। ये देखिए इधर भी ये बंद कर रखा है इसको। अभी इसमें बहुत से कई बार बताया है बहुत से लोगों ने कि ये जो ये दरवाजे हैं ये जो दरवाजे हैं, मेरे को पिछली बार बताया था किसी ने कि इधर से सुरंग जाती है और वो विराट नगर के आसपास कहीं निकलती है, और इसके जैसे ये दरवाजे हैं ये तो अंदर जाने के हैं। हाँ। तो इसके सामने ये जो दरवाजा बंद कर रखा है ये बाहर निकलने का है। ये अंदर जाने का नहीं, तो यहाँ तो बंद था। हाँ। वेंटिलेशन भी हो सकता कुछ भी है, चारों तरफ ऐसा ही चलिए बाहर चलते हैं, ऊपर से भी दिखाएंगे आपको 12 ढाणे का कुआं। इस कुएं में कितना बड़ा कुआं है ना। ये देखिए पिछली बार जब आया था तो यहाँ पे झूले वगैरह थे, अभी वो झूले नहीं है। इसमें वो आए हुए ना महात्मा आए हुए बहुत से नहीं। इधर भी देखिए, इधर भी ये झूला लगा हुआ था, उधर भी झूला था, लेकिन अभी कोई झूला नहीं है, पुराने वो टूटे फूटे टूट नहीं है। हमारे यहाँ अभी जो प्रोग्राम चला है पंचकर्म महोत्सव का, उसमें कम से कम 60 साधु हैं, उनके पास 150 कर्मचारी हैं, तो कपड़े धोते हैं साधुओं के अपने भी, इसलिए खाली की गई है। खाली की मतलब 60 साधु के पास 100 कर्मचारी हैं। बिल्कुल खाना वाना बनते हैं, कम डिस्ट्रीब्यूट कमरे प्लाई बोर्ड कमरे बनाए गए हैं ना, इनमें उनकी भोजन का सामान ही बनता है और रुकते भी हैं, तो इसलिए हुआ है। प्रोग्राम चल रहा है अंदर, अंदर वो पंडाल है या खाने पीने का प्रोग्राम है या और ये खाने पीने का, वो आपको दिखाते रहते नहीं आते, खाने पीने का पंडाल अभी दिखा परली साइड देखा है नहीं है, परली साइड वो दिख रहा है उधर। हाँ, और इधर कार्यक्रम आओ आगे से दिखाते हैं, यहाँ दिखा देखेगा आगे से पूरा देखेगा आगे से किधर से आओ दिखाते हैं। ये देखिए ये भी अपना कुछ सामान बेचने आए हैं यहाँ पे, जो यहाँ कार्यक्रम कब आए थे सर आप? महाराज के साथ में हमेशा साथ रहते हैं क्या? हाँ। जहाँ भी जाते हैं अपना मतलब ये लगा लेते हैं। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया है। ओ भैया इधर आओ, इधर चलो उधर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जैन युवा मंडल विराट नगर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। ये देखिए और ये देखिए यहाँ पे ये बोर्ड लगा है, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव श्री श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नशिया मंदिर विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान शांतिनाथ कुंदुनाथ, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये पांडाल है कार्यक्रम का, यहाँ पे कार्यक्रम होता है। ये देखिए और पूरी व्यवस्था कर रखी है। देखिए दोस्तों ऊपर ये पंखे चारों तरफ, कोई गर्मी की परेशानी नहीं है, बहुत शानदार टेंट लगा रखा है ये देखिए, और बहुत ही अच्छी यहाँ पे पार्श्वनाथ जैन मंदिर नशिया में बहुत शानदार व्यवस्था की गई है। देखिए ये देखिए दोस्तों यहाँ ये जैन समाज का कार्यक्रम स्टार्ट होगा अभी 4 बजे, तो अगर रुकने का टाइम होगा देखेंगे तो दिखाएंगे ज़रूर आपको। ये देखिए ये देखिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव दिनांक 18 फरवरी से 24 फरवरी 2023 तक। ये देखिए आयोजक समिति श्री 1008 शांतिनाथ कुंदुनाथ अरहनाथ
जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति विराटनगर। और ये ऊपर महाराज हैं आचार्य श्री 1008 सुनील सागर जी मुनिराज ससंग। ये देखिए ये महाराज ये देखिए सुनील सागर जी इनकी फोटो इधर भी लगी है। ये देखिए ये देखिए अंदर से कुछ ऐसा है। ये देखिए कितना शानदार टेंट लगा रखा है, बहुत ही शानदार। दोस्तों जब 4 बजे कार्यक्रम स्टार्ट होगा तो ये पर्दा खुलेगा। देखिए ये वाला तो क्या कार्यक्रम होगा क्या नहीं होगा जानकारी तो नहीं है, लेकिन देखने पे पता चलेगा। आपको सब कुछ दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए। कार्यक्रम में स्टार्ट होगा अभी 4 बजे, दिखाएंगे जरूर आपको। तो क्या कार्यक्रम होगा क्या नहीं होगा जानकारी तो नहीं है, लेकिन देखने पे पता चलेगा। आपको सब कुछ दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अगले पार्ट में यानी कि अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर देने का मन करता है। तो फिर चलिए दोस्तों, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।